नमस्कार मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं सिंपल में किस प्रकार से आप अपना अकाउंट को बना सकते हैं तो ये सिंपल पे लेटर का फैसिलिटी देता है जिसमें तो मंथ में दो बार आपका बिल जनरेट होता है अगर यदि आप एक तारीख से पंद्रह तारीख के बीच में जो खर्च करते हैं वो आपको बीस तारीख तक इसको जमा कर देना है और अगर यदि आप पंद्रह तारीख से तीस तारीख तक जो भी आप यूज़ करते हैं उसको नेक्स्ट मंथ बाईस तारीख तक आपको जमा कर देना पड़ता है यानी कि मंथ में दो बार आपको बिल जमा करना पड़ता है तो इसका सिंपल पे का बहुत जगह यूज कर सकते हैं शॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं सिंपल पे से आप रिचार्ज ये सब बहुत सारा बिल पेमेंट भी आप कर सकते हैं तो चलिए आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं किस प्रकार से इस ऐप को आप रजिस्टर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है सिंपल का आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है उसके बाद जो है इस ऐप को ओपन करके अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है देख सकते हैं तो मोबाइल नंबर डालने के बाद कंटिन्यू में आपको यहाँ पर टैप कर देना है तो आपका जो मोबाइल नंबर है तो आपको मेन जो आपका मोबाइल नंबर है उसी नंबर को आपको यहाँ पर देना है तो आपका नंबर में एक ओ आएगा उससे आपका ये ऐप वेरीफाई हो जाएगा देखिए इसी प्रकार से तो उसके बाद जो है आपको देखिए यहाँ पर ये सारा परमिशंस को आपको अलाउ करना पड़ेगा फ़ोन कॉल मैसेज ये सब सारा को आपको यहाँ पर अलाउ करना पड़ेगा तो ये सारे परमिशनस को आपको अलाउ कर देना है इस प्रकार से देखिए नोटिफिकेशन भी आप ले सकते हैं इसका तो ये सारा जो परमिशन मांगता है सारे को आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है देना उसके बाद यहाँ पर देखिए नेम है उसके बाद जो है आपका जेंडर है ये सब सारा यहाँ पर आपको फिल कर देना है देखिए ये सारा इन्फॉर्मेशन को आपको फिल कर देना है उसके बाद यहाँ पर जो है आपका यदि आपको यदि पे लेटर का यदि फैसिलिटी आपको मिलता है तो यहाँ पर जो है आपको चेक एलिजिबिलिटी में आपको यहाँ पर टैप करके आपको चेक कर लेना है आपको कितना का यहाँ पर पे लेटर का फैसिलिटी मिलता है तो यहाँ पर अमाउंट आपको तुरंत दिख जाता है कितना का आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिलता है ई मेल है तो ई मेल भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं या बाद में भी डाल सकते हैं ये ऑप्शनल है कोई प्रॉब्लम नहीं है डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं तो ई मेल दे देने से ई में भी आपको नोटिफिकेशन मिलता है तो यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन है तो टिक करके आपको चेक एलिजिबिलिटी में आपको यहाँ पर टैप कर देना है अगर इसमें आप अपना ईमेल आईडी देते हैं तो ईमेल आईडी में भी एक ओटीपी आपको जाता है तो मेल आपको ओपन कर लेना है उसके बाद जो मेल में ओटीपी आता है उसको यहाँ पर आपको फिल कर देना है देखिए इस प्रकार से आपका मेल में एक ओटीपी चल जाएगा चार डिजिट का ओटीपी आता है इसका तो मेल वाला ओ भी यहाँ पर आपको फिल कर देना है इस प्रकार से देखिए उसके बाद जो है आपको एलिजिबिलिटी चेक कर लेना है देखिए इस प्रकार से तो जितना भी आपको मिलने का है हाँ, आपका जो क्रेडिट स्कोर है उस हिसाब से आपको यहाँ पर देखिए पे लेटर का फैसिलिटी मिल जाता है कंग्रेचुलेसन तो देखिए इसी प्रकार से आपको मिल जाता है यदि आपको नहीं मिलेगा तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपका शो नहीं करेगा देखिए मेरा जो है अमाउंट शो कर रहा है देखिए ऊपर में यहाँ पर तो अभी जो है यहाँ देखिए तेरह सौ का यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटी मिला है तो जैसे ही आप यूज़ करते हैं धीरे धीरे ये क्रेडिट जो बैलेंस है ये आपका बढ़ते जाएगा तो यहाँ पर आप सारा डिटेल्स भी देख सकते हैं किस किस ऐप में आप इसको यूज कर सकते हैं इस बैलेंस को देखिए इस प्रकार से ये आपका सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाता है देखिए ये जो बैलेंस है आपको यहाँ पर शो करने लगेगा आप इस बैलेंस को आप यूज कर सकते हैं जैसे जियो मार्ट में आप यूज कर सकते हैं उसके बाद बिल पेमेंट है और बहुत सारा यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शंस मिल जाता है तो सब में इस जो पे लेटर बैलेंस है उसको आप यूज कर सकते हैं और इसी प्रकार से आप इसमें अकाउंट को बना सकते हैं यहाँ पर आप ऑटो पे भी अपना सेट कर सकते हैं और नहीं भी करते हैं ऑटो पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप मैनअली उसको पे कर सकते हैं जैसे ही बिल जनरेट होता है उसके बाद जो है पेमेंट का जो टाइम है अगर यदि पंद्रह तारीख का अगर यदि बिल जनरेट हुआ है तो उसको बीस तारीख तक आपको जमा कर देना है अगर यदि ऑटो पे सेट नहीं भी करते हैं तो आपका जो है ये चालू हो जाएगा और इसको आप यूज कर सकते हैं और बीस तारीख तक आपको बिल को जमा कर देना जितना भी आप खर्च करते हैं यही प्रोसेस है इसी प्रकार से सिंपल में आप अपना अकाउंट को बना सकते हैं और क्रेडिट फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें धन्यवाद